अगर आपको सेब, अनार या नारंगी खाकर अगर आपका पेट खराब हो जाए तो आपको 5 रुपया वाला नींबू के पास जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए किसी को कमज़ोर समझना या किसी को बेजोड़ समझना, अपनी अपनी बातें हैं। तो खैर, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे पहली बार आ रहे, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मेरे बहुत कुछ लड़खड़ा रहे हैं। फिर गलत नहीं सोचना है कि तुम छुपकर वार करते हो, तुम छुपकर वार करते हो, तुम्हारे पास जिगर नहीं लगता है। तुम छुपकर वार करते हो, तुम्हारे पास जिगर नहीं लगता है। ये हिंदुस्तान की मिट्टी है, किसी के बाप से डर नहीं लगता है। और इंग्लिश से तिजोरी तो भर सकते हैं आप, मगर ये लहजा बच्चा लगता है। जरा हिंदी में भी बोलकर देखिए जनाब, ये लहजा सबको अच्छा लगता है। जरा हिंदी में भी बोलकर देखिए जनाब, ये लहजा सबको अच्छा लगता है। ऐ माता, तुझे कोई मॉम कहे तो भी सुन ही लोगी। ऐ माता, तुझे कोई मॉम कहे तो भी सुन ही लोगी, मगर कोई माँ कहे तो और अच्छा लगता है। ऐ माता, तुझे कोई मॉम कहे तो भी सुन ही लोगी, मगर कोई माँ कहे तो और अच्छा लगता है। माँ हिंदी तो उर्दू मौसी है, इस रिश्ते को मत तोड़ो। ए मुस्लिम, हिंदू, भगवा, हरा, माँ हिंदी तो उर्दू मौसी है, इस रिश्ते को मत तोड़ो। हरे को घूंघट और लाल को सिंदूर कहो तो अच्छा लगता है। और तुम कहते हो हिंदी मेरी कमज़ोर है, तुम कहते हो हिंदी मेरी कमज़ोर है, अरे फैशन छोड़ो, हिंदी में बात करो तो अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखें कि वो कहते हैं ना कि आप समंदर हैं तो गहराई रखिए, आप समंदर हैं तो गहराई रखिए, हम दरिया बन के मिलते रहेंगे। तो आइए उस पे कि मैं शाम का इंतजार क्यों ही करूं, मैं शाम का इंतजार क्यों ही करूं, उसके कानों में लटकते चांद देखा है। अब आते हैं बिंदी पे, खत्म बिंदी पे, कि किसी की बंदगी हो गए हैं हम भाई साहब, किसी की बंदगी हो गए हैं हम, तुम्हारी जिंदगी हो गए हैं हम, किसी की बंदगी हो गए हैं हम, तुम्हारी जिंदगी हो गए हैं हम। एक असरदार चमक है तेरे माथे पर, तुम्हारी बिंदी हो गए हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये बहसबाजियां और फिजूल के झगड़े, ये बहसबाजियां और फिजूल के झगड़े, यूं ना मुझको सताया कर, देखो कितनी अच्छी लगती हो, रोज बिंदी लगाया कर। और कि पैरों में काले धागे, आंखें शराबी और गालों पर उलझे बाल, क्या कमाल लगती हो जब लगाती हो माथे पर काली बिंदी, खुदा कसम बवाल लगती है। खैर आते हैं कि देखें कि कुछ है कि किस्मत में है रुक्मिणी का आना, किस्मत में है रुक्मिणी का आना, खुदा करे ये तेरी बराबरी करे, ताकि तू समझे रातों का दुख, ताकि तू समझे
रातों का दुख, तुम्हारी औलाद भी शायरी करे, नींद ना आए, नींद ना आए तो रकीब से ये कहना, नींद ना आए तो रकीब से ये कहना कि वो इस पागल सा तेरी चाकरी करे। और देखें कि जब कुछ कुछ कमाने लगे पैसे वैसे, तब जाके ये ख्याल आया कि जिम्मेदारियां इस तरह आई लड़कों पर, जिम्मेदारियां इस तरह आई लड़कों पर, लड़के रोटी बनाना सीख गए, बाप की कमाई की कीमत समझ आई, बाप की कमाई की कीमत समझ आई जब हम खुद कमाना सीख गए। और जब हम खुद कमाना सीख गए, सोने की थाली में हम भी खा सकते हैं, सोने की थाली में हम भी खा सकते हैं, मगर अब खुद को समझाना सीख गए हैं। और एक लड़की रोती है मेरे सीने में, एक लड़की रोती है मेरे सीने में, सो हम भी गुनगुनाना सीखे। और अंत में कि आपकी राह तकते तकते एक उम्र खपा डाली, आपकी राह तकते तकते एक उम्र खपा डाली, आप दिए की बात करते हैं, हमने आंखें जला डाली। और कि किस्मत में नहीं थी शहजादी वरना, किस्मत में नहीं थी शहजादी वरना, किस्मत में नहीं थी शहजादी वरना, हम भी किसी को मांगा करते थे, एक गरीब की मोहब्बत ठुकराई गई वरना, हम भी रातों में जागा करते थे, एक गरीब की मोहब्बत ठुकराई गई वरना, हम भी रातों में जागा करते थे, ये कहकर मेरे दोस्त नाराज हो जाते हैं, ये कहकर मेरे दोस्त नाराज हो जाते हैं, तुम दोनों कितने अच्छे लगते थे, ये कहकर मेरे दोस्त नाराज हो जाते हैं, तुम दोनों कितने अच्छे लगते थे, आजकल उदास हैं मेरे कमरे के पंखे, आजकल उदास हैं मेरे कमरे के पंखे, आजकल उदास हैं मेरे कमरे के पंखे, कभी हम दोनों साथ देखा करते थे। और अब टाइम नहीं लेने का मन है, चार लाइन सुना दो। हम किसान के बेटे हैं, मेरे पापा किसान हैं, तो जब वो मजदूर को जब चला रहे थे, वो खड़े थे, तो हमको बोला गया कि तुम घर आए हो, गेहूं की कटाई हो रही थी, लहलाती धूप, धूप ज़्यादा था, तो हम जब खाना देने गए तो पगडंडियाँ जो होती है ना, वहाँ से हमको याद आया कि गेहूं को देखते हुए कि तुम आना कभी मेरे खेतों की पगडंडियों पर, तुम आना कभी मेरे खेतों की पगडंडियों पर, अपनी फसल दिखाऊंगा, तुम आना कभी मेरे खेतों की पगडंडियों पर, अपनी फसल दिखाऊंगा, मेरे बाबू जी के पैरों में परे छाले से खरा एक सोने का महल दिखाऊंगा।